हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं सिंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का, जो कि 2020-21 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने डिज़ाइन किया है। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर के 20 तक इसका सोल्यूशन बताया है। आज मैं 21 से वीडियो शुरू करूँगा। आपसे कहना चाहूँगा कि आप वो वीडियो देख लें और इससे आगे के लिए आज की वीडियो को देखें। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 है, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्ले अ साइनिफिशेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। दिस आंसर, बाइल जूस मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज ग्लोबुलस ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन टू स्मॉलर ग्लोबुलस, इंक्रीजिंग द एफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड गिव्स रीजन्स। जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, उनमें लेफ्ट और राइट साइड जो हार्ट होते हैं सेपरेट रहते हैं। द सेपरेशन कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, अलाउिंग अ हाईली एफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। 22 क्वेश्चन है, स्टेट द इवेंट्स ओकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें बताना है। इट इज इसेंटियल दैट दीज स्टेप टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमिजिएटली। जो इसमें स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के, क्या वन आफ्टर क्या तुरंत, मतलब तुरंत हो जाते हैं? तो सबसे पहले आपको इसका ए पार्ट का आंसर देता हूँ, स्टेट द इवेंट्स ओकरिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ठीक है, इसका रिएक्शन होता है पानी के साथ, H2O के साथ पानी के साथ रिएक्शन होता है, जिसमें आपको यहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट रहेगी और दूसरा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो बनता क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक, और इसमें ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर एक तो 6 आएगा, एक यहाँ पर 6 आएगा, 6H2O। ठीक, और जो ऑक्सीजन होता है उसमें भी यहाँ पर 6 आएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल का ये फॉर्मूला है ये। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पूछा है इसी को, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसी का जो बी पार्ट है, इसमें पूछा है कि क्या ये जो प्रोसेस होता है कंटिन्यू होता है, लगातार होता होना चाहिए ये, जो यहाँ पर लिखा है इमिडिएटली। ठीक, तो दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमिडिएटली। जरूरी नहीं है कि ये स्टेप जो होते हैं बिल्कुल लगातार होते रहें। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। कार्बन का टेस्ट करने के लिए बताना है आपको क्या एक्टिविटी है उसमें, और विद अ वैलेंसी ऑफ 4, हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन इन इट्स कंपाउंड्स। आपको इसका आंसर बताना है, बर्न्स कंपाउंड इन एयर ऑक्सीजन, गैस इवोल्व टर्न लाइम वाटर मिल्की, और बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्मड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजन। इसका आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक टेबल दे रखी है, आप इसको पढ़ लें पहले। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर्ट मेड बाय अ स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स PQRS विद द गिवन सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन दिया गया है, फिर उसमें एक टेस्ट किया गया है, तो इसको देखते हैं इसका हम आंसर क्या होगा। आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर नो रिएक्शन कहाँ हुई है, सब किसके साथ हुई है, उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन है, ए, अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले एस आएगा, फिर आर, फिर पी और फिर क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले एस जो है नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, फिर आर का देखें इसी प्रकार से नो रिएक्शन कितनी है इसमें, फिर पी का, फिर क्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन क्यू रिएक्ट विद CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा CU एंड QSO4 बनेगा इसमें। ठीक, 25 है क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबोव फिनोमिनो इन द लैब। क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द फिनोमिनो कॉल्ड, इस फिनोमिनो को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर द वोलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट। ठीक, जो वोलेट लाइट है वो रेड लाइट से ज़्यादा बेंड क्यों हुई है, मतलब ज़्यादा झुकी क्यों है, और फिर ये इस फिनोमिनो को क्या बोलते हैं? तो द फिनोमिनो इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोवेस्ट, वायलेट लाइट जो है उसकी जो स्पीड है प्रिज्म के अंदर कम है। ठीक है, एंड दैट ऑफ रेड इज हाइएस्ट, और रेड जो है उसकी स्पीड जो है हाइएस्ट है, हेंस डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट इज मैक्सिमम, जो वायलेट लाइट है उसका डिविएशन ज़्यादा रहेगा, एंड दैट ऑफ रेड इज मिनिमम, और रेड का जो है मिनिमम रहेगा क्योंकि इसकी स्पीड जो है ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, क्या है? आप यहाँ पर देख रहे हैं एक फिगर बनी हुई है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ टू रजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम, सी हैज़ टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2SO इन द सर्किट, द सर करंट दैट सी नीड्स इन द एंटायर सर्किट इज एग्जैक्टली 9 एम्पियर। ठीक, सो बाय कैलकुलेशन विच ऑफ द टू रजिस्टर्स सी शुड चूज। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर, सोल्व कर देता हूँ। सबसे पहले द ओवरऑल करंट नीडेड 9 एम्पियर। ठीक, द वोल्टेज इज 12 वोल्ट। ठीक, हेंस बाय ओम लो वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर होता है आपको पता होगा ओम लो। ठीक, द रेजिस्टेंस फॉर द एंटायर सर्किट, एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 12/9 रहेगा। ठीक, इक्वल टू 4/3, इसको हम सोल्व कर लेंगे डिवाइड करके। ठीक है, तो आर कितना आएगा? 4/3 ओम। ठीक, आर वन एंड आर टू आर इन पैरेलल, आर वन और आर टू क्या हैं? पैरेलल हैं, आप देख रहे होंगे। हेंस आर क्या होगा? आर जो होगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक, आप इसको सोल्व करिए, आप यहाँ पर आर वन जो है 4 है, आर टू यहाँ पर रखिए, आर टू अपॉन 4 प्लस आर टू। ठीक, और जो पूरा जो ये आर दे रखा है कितना दे रखा है? आर जो हमारा आया था 4/3 आया था, आप इसको सोल्व करिए तो आपका जो आर टू आएगा वो कितना आएगा? आर टू जो है 2 ओम आएगा। कितना आएगा? 2 ओम इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा सोल्व करके। 27 पर चलते हैं, क्वेश्चन है, आफ्टर सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन इन पी प्लांट्स विद राउंड येलो सीड्स। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको आपको आंसर करना है, आपको खुद ही करना है इसका आंसर। इन ह्यूमन देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ बॉयज एंड 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी बॉर्न, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स द जेन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल, हम बॉयज बनेंगे या गर्ल्स बनेंगे ये हमारे पेरेंट्स पर डिसाइड करता है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, जो वुमेन्स होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट जो मीन होते हैं उनमें एक्स वाई दोनों होते हैं। ठीक, जो मदर होती है उस पर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो फादर होते हैं उनमें एक्स वाई होते हैं। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर्स रिगार्डलेस ऑफ वाट एवर दे आर बॉयज और गर्ल्स, दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय वाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। फादर से डिसाइड होता है कि जो बच्चा है मतलब बर्थ होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स इन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल बी अ गर्ल, एंड वन हु इनहेरिट अ वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 28 रहेगा, जो कि प्लास्टिक कप वर यूज टू सर्व टी इन ट्रेन इन अर्ली डे। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले ट्रेन में जो है प्लास्टिक कप दिया जाता था, फिर जो है कप दिए जाने लगे, फिर उसके बाद जो है दोबारा आजकल जो है प्लास्टिक
क्या पेपर के बने कप देने जाने लगे, तो व्हाट आर द रीजन्स फ्रॉम द शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू कुल्हड़, पहले प्लास्टिक से कुल्हड़ में दिया गया एंड देन फाइनली टू पेपर कप्स। तो मैं आपको इसका आंसर बता देना चाहता हूँ ओरली, कि जो पहले क्या है, प्लास्टिक जो है हार्मफुल था, फिर कुल्हड़ में दिया जाने लगा, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता प्लास्टिक। लेकिन कुल्हड़ जो होता था मिट्टी का जरूर बना रहता था किले का, लेकिन जो ऊपरी लेयर होती थी वो जो है फर्टाइल होती है, जिससे खोद खोद के इसको जो है कुल्हड़ बना लिया जाता था। फिर क्या है, सोइल को नुकसान हुआ, तो उसके बाद डिसाइड किया गया कि पेपर से देंगे। क्यों? क्योंकि पेपर जो है बायोडिग्रेडेबल है। यूज ऑफ प्लास्टिक कप्स रेज्ड द कंसर्न टूवर्ड हाइजेनिक, दस दे वर रिप्लेस्ड बाय डिस्पोजल प्लास्टिक कप। प्लास्टिक कप आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हार्म द इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे वर दस रिप्लेस्ड बाय कुल्हड़। कुल्हड़ को इसलिए रिप्लेस किया गया, मेकिंग कुल्हड़ मेड ऑफ क्ले ऑन अ लार्ज स्केल रिजल्ट इन द लोज ऑफ टॉप फर्टाइल सोइल। कुल्हड़ बनाते गए तो जो फर्टाइल सोइल है ऊपर की ऊपरी लेयर की, उसका लॉस हुआ। नाउ डिस्पोजल पेपर कप आर यूज बिकॉज द पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड, पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इज इको फ्रेंडली मटेरियल विच डज नॉट कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, इसका आंसर आप बुक से ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलेंगे नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर एन एंडोथर्मिक अवेयर डिकम्पोजिशन आल्सो हैपन्स। 30 का आपको जवाब देना है। इसका जो सही आंसर होगा, फर्स्ट ए, इसका आंसर क्या होगा ए वाले का, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, एक तो ये आंसर, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इसका आंसर ये होगा। इसी में जो बी पार्ट दे रखा है, सिल्वर क्लोराइड व्हेन कैप्ट इन द ओपन ग्रे, ओपन टर्न ग्रे, मतलब जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है अगर हम उसको ओपन में रख दें तो वो ग्रे हो जाता है, इलस्ट्रेट विथ इट्स अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी देनी है आपको, तो मैं रिएक्शन दे देता हूँ, जो मान लीजिए AgCl है, ठीक, AgCl हमारा सॉलिड में रहेगा, सॉलिड, ठीक। जब इसमें सनलाइट पड़ेगी, आप यहाँ पर सनलाइट लिख लेना, ठीक है, सनलाइट जब पड़ेगी तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एक तो Ag में बदल जाएगा जो कि सॉलिड ही रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर S लिख सकते हैं सॉलिड, फिर और Cl2 में चेंज हो जाएगा, ठीक, जो कि गैस रहेगी। अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, 2, और यहाँ पर 2 Ag कर दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा, 2 AgCl सनलाइट की प्रेजेंट में 2 Ag बनेगा और Cl2 बनेगी गैस। 31 क्वेश्चन क्या है, 31 31 क्वेश्चन है, एक टेबल बनी हुई है, पीरियोडिक टेबल, आप इसको देख लें। विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2, इसका सही आंसर होगा डी, एज, डी एज, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल इन द ग्रुप 2। सेकेंड, विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो सी, बिकॉज एट एज इट इज इन द ग्रुप 18 नोबल गैस। थर्ड, आउट ऑफ डी एंड ई, डी और ई में से विच एलिमेंट हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस किसकी है, तो ई की है, बिकॉज ई जो है इस साइड जाएंगे, अगर हम इस साइड जाते हैं तो क्या है, रेडियस कम होती जाती है, ठीक। तो इसमें हम लिखेंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ठीक। 32 क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए, 32 और 33, 34, ठीक, आपको इनको आंसर ढूंढना है। 34 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ क्या है, क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यू 1, 7, 10, 13 टू द सॉल्यूशन गिवन बिलो। मैचिंग करनी है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच रहेगी वो रहेगी 10, ठीक, गैस्ट्रिक जूस की पीएच रहेगी 1, ठीक, जो ब्राइन है उसकी पीएच रहेगी 7, और जो ये एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो रहेगी पीएच 13 रहेगी, ठीक। इसी में आगे पूछा है, अमित एंड रीता डिसाइड टू बेक अ केक एंड एडिट बेकिंग सोडा टू द केक बैटर, केक बैटर में वो जो है बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं। एक्सप्लेन विद द बैलेंस रिएक्शन द रोल ऑफ द बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा, तो अदर यूज भी बताने हैं और क्या है, एक रिएक्शन आपको बतानी है। तो
बेकिंग सोडा का पहले क्या है काम? बेकिंग सोडा अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन टू फॉर्म Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, CO2 एंड H2O। CO2 मेक द केक फ्लफी एंड सॉफ्ट। मान लीजिए NaHCO3 है जो कि हमारा होता है बेकिंग सोडा। जब हम इसको हीट करते हैं मतलब गर्म करेंगे तो क्या होगा? Na2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 बनेगा और पानी बनेगा H2O। ठीक, इसका रिएक्शन है ये। अब आगे इसमें यूज भी पूछा है इसने, तो हम यूज भी बता देते हैं थोड़ा। क्या है यूज? इन फायर एक्सटेंगेशर, जो आग बुझाने की जो होते हैं आपने लाल लाल देखे होंगे यंत्र से, वो एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टोमक और टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन इंसेक्ट स्टिंग। जब कोई जैसे मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो ये लगाया जाता है एंटासिड, ये जो क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा को। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए अपने आप करना। ट्रेस द चेंज, मैं 35 की बात कर रहा हूँ। ट्रेस द चेंज दैट टेक प्लेस अ फ्लावर फ्रॉम जेनेटिक फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। एक फिगर आपको बनानी है। जो 36 क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या है। इन द गिवन सर्किट ABCD आर फोर लैंप्स कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। ठीक, आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनालाइज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज इन सीरीज। जो लैंप्स हैं वो सीरीज में किस कैसे अरेंज किए गए हैं, आपको एक तो ये आंसर बताना है। फिर इसका आंसर जो होगा, द लैंप आर इन पैरेलल। लैंप किस में अरेंज है? पैरेलल में अरेंज है। देख लीजिए आप, लैंप जो है पैरेलल में अरेंज है। इसी में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबोव आंसर व्हाट आर द एडवांटेज एनी टू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्प। अगर हम पैरेलल में लैम्प को अरेंज किए हैं तो उसका आंसर क्या होगा, मतलब क्या फ़ायदे हैं? अगर कोई बल्ब जो है लैम्प का फ्यूज हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ वन लैम्प इज फॉल्टी इट विल नॉट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द अदर लैम्प। दे विल ऑल्सो बी यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विद लैम्प ग्लो द ब्राइटेस्ट। कौन सा लैम्प जो है ब्राइटेस्ट रहेगा इसमें? ठीक, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? आंसर जो रहेगा इसका सी रहेगा। क्यों? क्योंकि पी इक्वल टू वी आई होता है, पी इक्वल टू वी आई होता है। इन दिस केस ऑल द बल्ब हैव द सेम वोल्टेज बट लैम्प सी हैज द हाइएस्ट करेंट, हेंस द फोर लैम्प सी क्या रहेगा? सी फोर लैम्प सी क्या है? पी क्या रहेगा? पी रहेगा 5 × 60। 5 × 60 जब करेंगे तो आप 300 आएगा वोल्ट, जो कि ये मैक्सिमम रहेगा। आप इसी तरह सबका निकालिए। अब इसी में पूछा है कि फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मैं ये सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो टोटल करंट इन द सर्किट क्या है? पहले तो हम टोटल करंट निकालेंगे। 3 + 4 + 5 + 3। एक बार आप फिगर देख लीजिए, यहाँ पर जो करंट I दे रखा है 3, 4, 5 और 3, तो कितना है? ये 15 एम्पियर है। ठीक, तो अब जब 15 एम्पियर हो तो और वोल्टेज क्या दे रखा है? V कितना दे रखा है? वोल्टेज 60 वोल्ट दे रखा है, 60 वोल्ट। ठीक, 60 वोल्ट दे रखा है। तो अब आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो R क्या होगा? V अपॉन आई होगा। तो आप 60/15 कर दें तो 4 आंसर इसका आ जाएगा, 4। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे पहले की भी आप वीडियो देख लीजिए और आप ये क्वेश्चन सोल्व करिए, जो कि CBSE बोर्ड द्वारा इशू किया गया पेपर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।